किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योड़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़ आए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते रख दो उधर। मेम साहब, ये गोलमाल कितने का है? होंगे कोई 20-1 हजार, मगर तुमसे मतलब 20 हजार? इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब। तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ, समझे? मेम साहब, ये रुपया मैंने कमाया है, इस रुपये में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबर का हिस्सा? मेरी बराबरी करना चाहते हो? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया। हम लोगों की बराबरी करते हो? ये औकात मत भूलो कि तुम्हें लाने में 4500 नौकर कपड़ों पर नजर आए, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उस घर में जहां से तुम आए हो। सो सैड। लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना, ये है उसकी रसीद। और हाँ, ये लो। शिवदत्त जी। मैडम क्या है? तुम्हारी बख्शीश। बहुत देर हो गई मैडम, अब सो जाइए, सुबह सैर पर नहीं जाएंगे। क्या चाहो? ये फिल्म तुमने देखी है? 5 बार स्कूल से भागकर। राजकपूर के लिए? आपके लिए मैडम, आप तो जानती हैं। आपको मालूम है हमारे बड़े भाई आपकी तस्वीर अपने बटुए में लगा के रखते थे और एक बार तो भाग आए थे बम्बई आपसे मिलने। 15-20 दिन भूख प्यास काट के वापस पहुंचे तो बापू ने बहुत पिटाई की थी। बेचारा। उनसे तो हम ही अच्छे निकले। देखिए, 18-20 साल से आपके पास हैं, खुशकिस्मत हैं और 12 बजे तक जगे हैं। बदमाश। चलो बना दो हमारे लिए ड्रिंक। विस्की तो खत्म हो गई, ब्रेंडी भी नहीं। गोयल साहब को फोन किया है, बॉम्बे से भेजेंगे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम हमारे लिए दूसरी ड्रिंक नहीं बनाओगे। डॉक्टर साहब ने मना किया। अरे भाई, कौन सा डॉक्टर? वो डॉक्टर मर्चेंट, हम उसे देख लेंगे। फ्राइडे को आएंगे। अब रील खत्म हो गई है। एक मिनट। चलो अभी अभी वो रील लगा दो जिसमें हमारा वो गाना है, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। मैडम मुड़ के कल देखेंगे, अभी आप चलिए, बहुत देर हो गई। अरे भाई, नींद नहीं आ रही है। आप बिस्तर पर लेटिए, आ जाएगी। चलिए, ये प्रोजेक्टर निकाल दो। नहीं नहीं, कल हम दूसरी पिक्चर देखेंगे। कल फिर? हाँ। फिर से 12? अच्छा, आप तो चलिए ना। चलो चलिए, उठिए। बड़ी मुश्किल है, नींद नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, फिर भी पीछा नहीं छोड़। आज सोमवार है ना? जी हाँ।
और अभी 6 दिन है उन साहब के आने में। क्या नाम है उनका? जतीन चौधरी। एक दिन में नाम भी भूल गए? नहीं नहीं भूला नहीं, आपने बोलने ही नहीं दिया। मिस्टर चौधरी, गोयल साहब ये कह रहे थे कि वो हम पर एक किताब लिखना चाहते हैं। उनका खत भी आया है, वो इतवार को आ रहे हैं। तुमने पढ़ा है वो खत? जी हाँ। कहाँ रखा है? वो आपके बिस्तर पे, किताब के नीचे। अच्छा, वो रहा आपका पानी। अब मैं चलता हूँ मैडम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट शिवदत्त। आप ज्यादा पढ़ना नहीं, सो जाइए। तू मेरी माँ है क्या? हाँ। गुड नाइट शिवदत्त। डियर मैडम चारुलता जी, इस नाम से आपको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि आप इसी नाम से अपने प्रस्तावों में जानी जाती हैं। मैडम के बगैर कोई आपका नाम नहीं लेता। बहुत कम फिल्में की आपने, लेकिन बहुत ऊंचा मकाम बनाया है अपने लिए। आप शायद फिल्मों को भूल गईं, लेकिन आपकी फिल्में हम नहीं भूले। आपके प्रस्तार, आपके चाहने वाले आपको अभी भी याद करते हैं। उन प्रस्तारों के लिए मैं आपसे एक इंटरव्यू चाहता हूँ, अपनी किताब के लिए, जिसका नाम है कभी न डूबने वाले सितारे। आपके सेक्रेटरी मिस्टर ओपी गोयल ने इतवार का वक्त दिया है, क्या मैं आपकी तन्हाई में दखल दे सकता हूँ? आपका प्रस्तार जतिन चौधरी। लीजिए। ये गोयल कब आएगा बंबई से? इस हफ्ते आना तो चाहिए। कहिए तो फोन कर देता हूँ, बुलवा लेता हूँ। कुछ काम था गोयल से? देखो ना, हमारा सारा मेकअप का सामान खत्म होता जा रहा है। कितनी बार उससे कहा है, भेजता ही नहीं। और वो अच्छी तरह से जानता है कि हम मेकअप किए बगैर कहीं नहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं। हमारे फैंस हमें देखते हैं, आंखों ही आंखों में कुसुर पुसुर करते हैं, कहते हैं वो देखो वो जा रही है मैडम चारुलता। वो आवाज बहुत देर तक हमारे कानों में गूंजती रहती है, सुनाई देता है हमें। बहुत अच्छा लगता है, हमें दूसरों की निगाहों के लिए सजना ही पड़ता है। बाकी हमारी अपनी निगाहों के लिए बस ये आईने का चेहरा ही काफी है। मैडम, आपके डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी बिल्कुल वैसा ही है, मजा आ जाता है सुनकर। लेकिन ये आजकल की हीरोइनें बस ऐसी हैं, ना जबान, ना जबान का स्टाइल, बड़बड़ चटर। और कब देखा है तुमने ये नई हीरोइनों को? ये आजकल रेडियो, टीवी, वीडियो सब दुकानों और मकानों में चलते रहते हैं। पिछली बार गांव गया था ना, रेलवे स्टेशन पर चल रहा था। बस कर, चलो। अब तो हर चीज छोटी होती जा रही है, तस्वीरें भी, स्क्रीन भी, किरदार भी। एक जमाना था कि मौर्य आजम का जब प्रिंट जाया करता था तो शाहपुर जी पालन जी की कैडिलैक कार आती थी, और आसिफ साहब भी कहते थे मौर्य आजम का प्रिंट टैक्सी में नहीं जा सकता है। और अब तो ये हाल है, छतरी ले लेना। और अब तो ये हाल है कि चाहे वो आसिफ साहब की मुगल आजम हो या महबूब खान की आन हो,
लोग सब्जी और तरकारी की थैलियों में लिए घूमते हैं। जिस तरह सब्जी और तरकारी लेकर आते हैं वैसे ही फिल्में भी लेकर आते हैं। आज ये फिल्म देखेंगे, आज ये खाएंगे, आज बैंगन खाएंगे, आज नवरंग देखेंगे। It's sad, it's so sad. Excuse me, can I have your autograph, ma'am? Yes, of course. अरे क्या उम्र है बेटी तुम्हारी? 15 साल, नहीं 15.5 साल। ओहो, तो फिर तो तुमने यकीनन हमारी कोई पिक्चर नहीं देखी। कैसे पहचाना हमको? देखी है। वो कैसे? वीडियो पर। हमारे पिताजी आपके बड़े फैन हैं, वो आपकी पिक्चरें लाकर दिखाया करते हैं। हाँ, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? दिलीप रंजन मुखर्जी, वो खड़े हैं। ओ से थैंक यू। ध्यान से मैडम। नींबू पानी देता हूं आपको। अरे शिवदत्त जी, वो जरा देखना, वो जो मकान सर उठा रहा है वो किसका है? वो तो महाराज नीमूच वाला का बंगला था। हा? बेच दिया उन्होंने, होटल बन रहा है वहाँ। महाराज ने अपना बंगला बेच दिया, घर बेच दिया अपना? जी मैडम। तो फिर वो कहाँ रहेंगे? वो होटल के ही किसी एक हिस्से में रहेंगे। मगर महाराज मालिक मकान थे, बैठे बैठे किरायेदार हो गए। Oh my God, ये क्या हो रहा है? तो फिर अपना क्या होगा, अपने सनसेट बुलेवार्ड का? अरे शिवदत्त, जरा देखना कौन है। अभी देखता हूँ मैडम। हाँ क्या? तारे साहब। हाँ। अरे कौन है भाई? पोस्टमैन है मैडम। पोस्टमैन? अभी तक इस घर में पोस्टमैन आता है? खबर लेने आया है या खबर देने आया है? तार आया मैडम। तार? अभी तो बर्थडे में बहुत टाइम है, ये बेवक्त का तार कहाँ से आया है? पानी तो ठंडा हो गया मैडम, निकाल देता हूँ। अरे लो, नूरी आ रही है एक दिन के लिए हमारे यहाँ। नूरी जी? अच्छा, वो जो आपके साथ फिल्मों में काम करती थी? हाँ, और अब वो बेंगलोर में रहती है। बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है। वो तो बहुत साल पहले आई थी यहाँ। हाँ। और 3-4 रोज ठहरी भी थी। अब तो बरसों बाद ही कोई वर्क उलटता है वक्त का। आपसे तो उम्र में काफी बड़ी हैं। पिछली बार आई थी तो बहुत बूढ़ी लग रही थी। और अरे ऐसा नहीं बोलते, औरतों को बूढ़ी नहीं कहते हैं, वरना क्या हम अभी जवान हैं? मैडम आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और हम तो यही दुआ करते हैं खुदा से कि आपको हमेशा ऐसे ही रखे। शिवदत्त, तेरी दुआ तो वो कभी कबूल नहीं करेगा। क्यों मैडम? अरे जब तू नाम ही उनका गलत लेता है तो कैसे तेरी दुआ कबूल करेगा? मैंने क्या कहा मैडम? तो खुदा को खुदा खुदा अगर कहेगा तो वो कैसे तेरी दुआ कबूल करेगा, बता। ओहो, नुक्ता। कभी कभी गलती नहीं, गलती हो जाती है मैडम। देखिए सुनिए आप, खुदा खुदा सबसे ही कह लेता हूँ मैडम, ऐसी बात नहीं है। माँ बस वो आपकी तरह
कबूल कबूल नहीं कह पाता हूँ। बदमाश। चलिए। अरे हमें दे दो। मैं ले चलता हूँ मैडम। हम ले जाएंगे। नूरी। ओए माँ, गोलगप्पे तू भूली नहीं? नहीं, खास तौर से तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। वहीं जाके खा लेते। अरे ये मद आइलैंड है, चौपाटी नहीं। हाय अल्लाह, वो भी क्या दिन थे चौपाटी के। याद है मोती भैया हमें अपनी कन्वर्टेबल में लेके जाया करते थे? अरे नाम मत लो उनका। कितने रुपए गवाए हमने उनके घोड़ों पर रेसिंग में, और नहीं खेलो तो नाराज हुआ करते थे, और कमबख्त एक भी घोड़ा नहीं जीता उनका। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तौबा तौबा, क्या हुआ? जुबान जल गई। याद है बनवारी काका चाट वाला? अरे कैसे याद नहीं है, हिसाब करो तो अभी भी उसके पैसे कुछ हमारे पे ही निकलते होंगे। अरे अभी कहाँ बचा होगा वो। पीछे मुड़कर देखो तो कितने लोग उधर के उधर से ही चले गए। चाहते वक्त अलविदा तक नहीं कहा। अच्छा बताती क्यों नहीं, अब की बार बंबई कैसे आना हुआ? अशफाक अमरीका जा रहा है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। अशफाक इतने बड़े हो गए? पहली बार तो तुम अपनी गोद में उसको लेके गई थी। और क्या अब वो अपने मम्मी को गोद में लेकर जाएगा? ओहो, तूने तो सिर्फ उसे गोद में ही देखा। बस फिर कब देखा? हॉस्टल से जब आया करते थे तो मिला करती थी मैं। अच्छा। अरे नूरी, अली की क्या खबर है? ठीक है, आती है कभी कभी बच्चों से मिलने। कहाँ है वो? वही कराची में ताजी के साथ। सबको सिंह साहब जैसे थोड़े ही मिलते हैं। जब तक रहे तुझे हथेली पे उठा के रखा, पांव जमीन पर नहीं लगने दिए। बस एक औलाद और दे जाते। अब किस्मत में नहीं थी औलाद तो अशफाक तो हैं। अच्छा ये तो बता, उसे बंबई क्यों छोड़कर आई? तेरा सारा लाड तो वो ले जाता, और मेरे से क्या आता? तू बहुत जलकुकड़ी है। अरे देख लेना कल सुबह जब आएगा। क्या हो रहा है भाई? चारू बस इतने ही बचे। क्या क्या मतलब? ये सब गुजर गए, पहले ये सब इधर थे। ओफो, ये क्या पागलपन है, छोड़ो। क्या लगा रखा है? मुझे तो अभी इसी तरफ रहने दो, मुझे मॉर्ग में डालने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, चलो लो ये नाइटी पहनो। क्या है शिवदत्त? सुबह चाय कितने बजे मैडम? कल सुबह को तो हम आराम से ही उठेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाएंगे। वो 10 बजे अशफाक मियां आ रहे हैं अपनी मम्मी को ले जाने के लिए। आंटी चलें, देर हो रही है। अरे ठहरो भी, ये देखो मैंने ये हार निकाला है, नूरी के गले पे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। रहने दीजिए आंटी, अगर लौटी तो खुदा कर ले लेंगी, दुआ कीजिए बस। लौट कर आई?
अमेरिका में बस जाने का इरादा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कब तक लौटाओगे तुम लोग? अब क्या पता आंटी, इलाज में कितना वक्त लग जाए। इलाज? किसका इलाज? नूरी को कुछ हो गया है क्या? मम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं आंटी, मम्मी को कैंसर हो गया है और अब आखिरी स्टेज पर है। अमेरिका जाने से पहले वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी, शायद आखिरी बार। डॉक्टर्स ने कुछ ही हफ्तों का वक्त दिया है। उसे ले जाओ, मैं उसे अलविदा नहीं कहूंगी। मुझे तो अभी इसी तरफ रहने दो, मुझे मॉर्ग में डालने की जरूरत नहीं।